उस्मान मुख्तियार उन नामों में से एक नाम है जिन्होंने बहुत थोड़े वक्त में बेहतरीन सलाहियतों और टैलेंट की वजह से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। वो शानदार अदाकार, खूबसूरत मॉडल और बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज फिल्म जनान में समीर के किरदार से किया। उस्मान मुख्तियार 27 जुलाई 1985 को सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 36 साल है। उस्मान मुख्तियार इस वक्त अपने काम की वजह से कराची में रहायश पजीर हैं। अगर इनकी तालीम की बात की जाए तो उस्मान मुख्तियार जर्नलिज्म की डिग्री के हामिल है। उस्मान मुख्तियार ने सहाफत की डिग्री होने के बावजूद शोबिज करियर को मुंतखिब किया। बेहतरीन कदोकामत के मालिक उस्मान मुख्तियार की हाइट 5 फुट 10 इंच है। इनका मजहब इस्लाम है। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो उस्मान मुख्तियार की एक बहन है जिनका नाम जवाहर है। इनका ताल्लुक शोबिज से नहीं है, वो पेशे के लिहाज से एक वकील हैं। उस्मान मुख्तियार का ताल्लुक एक आला तालीम याफ्ता फैमिली से है। इनके दादा भी पेशे के लिहाज से एक वकील थे। उस्मान मुख्तियार का ताल्लुक एक आर्टिस्ट फैमिली से भी है क्योंकि इनकी वालदा माजी की मशहूर अदाकारा नासरा थी। वो अपने वक्त की उम्दा अदाकाराओं में से एक थी। इन्होंने 158 फिल्मों में काम किया और वो फिल्मों में अपने मनफी करदार के लिए मशहूर थी। सहाफत की डिग्री रखने की वजह से उस्मान मुख्तियार के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो शोबिज को ज्वाइन करें। प्लीज सब्सक्राइब शोबिज न्यूज ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट शोबिज अपडेट्स। अगर इनकी शादी की बात की जाए तो इनकी शादी अभी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक लड़की के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में है और बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। उस्मान मुख्तियार ने इस लड़की के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक शोबिज से नहीं है, लेकिन वो अपनी फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर इनके हेयर कलर की बात की जाए तो इनका हेयर कलर ब्लैक जबकि आईज कलर भी ब्लैक ही है। उस्मान मुख्तियार ने अपने कैरियर का आगाज 2006 में फिल्म मेकर की हैसियत से किया और 2007 में इन्होंने थिएटर अदाकार की हैसियत से काम शुरू किया। मल्टी टैलेंटेड अदाकार उस्मान मुख्तियार ने कई शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट की। इसके बाद इन्होंने 2016 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उस्मान मुख्तियार अब तक 2 फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। इनकी फिल्मों के नाम जनान और पर्ची हैं। फिल्मों में अपने करियर को बनाने के बाद इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। 2019 में उस्मान मुख्तियार ने हम टीवी के ड्रामा सीरियल अना में अहम किरदार में काम किया। इस ड्रामे में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया और इनकी शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। इस वक्त उस्मान मुख्तियार हम टीवी के ड्रामा सीरियल सबात में सारा खान के अपोजिट नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे में वो डॉक्टर हारिस का किरदार कर रहे हैं जो इनके मदाह बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो उस्मान मुख्तियार हम स्टाइल फॉर बेस्ट म्यूजिक वीडियोस के लिए 2 बार नॉमिनेट हो चुके हैं। कैसा लगा आपको मल्टी टैलेंटेड अदाकार उस्मान मुख्तियार के बारे में जानकर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।